नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है इस FB लाइव पर। और जैसा कि आप सूचित हैं, आज एक खास दिन है। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक, मेहनत कश, सर्वहारा वर्ग के मसीहा और पूरी मानवता के लिए समग्र मुक्ति के नायक कार्ल मार्क्स का आज 202वां जन्मदिवस है। आपको इस मौके पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, आप में से बहुत सारे छात्र होंगे या जिन्होंने भी कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा है या जाना है, आप सभी वाकिफ है कि कार्ल मार्क्स को तमाम समाज विज्ञानों में, चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, चाहे समाजशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, साहित्य हो, हर जगह उनको सिलेबस में पढ़ाया जाता है। और कार्ल मार्क्स एक प्रमुख ऐसे चिंतक है जो मानवता की मुक्ति के लिए, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। आज 5 मई है, 5 मई 1818 को कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के ट्रायर नाम के शहर में हुआ था। और करीब 65 वर्ष की आयु उन्होंने पाई थी। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि FB लाइव की एक सीमा है। मैं छात्रों को ख़ास तौर पर जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मार्क्सवाद की जो शिक्षा के जो स्रोत है, यानी मार्क्सवाद के विचार के जो स्रोत है, वह मूलतः है 3 माने गए हैं विद्वानों के द्वारा। और विशेषकर मार्क्सवाद के एक बहुत बड़े सच्चे अनुयायी ने उनके ऊपर लिखा है 3 सोर्सेज ऑफ मार्क्सिज्म। और इनमें है एक तो शास्त्रीय जर्मन दर्शन, जर्मनी के वो मूल बाशिंदे थे लेकिन उनके क्रांतिकारी विचारों के चलते उनको बहुत तकलीफें हुई, उनको जगह जगह जाना पड़ा और लास्ट में वो लंदन में रहे थे। तो मार्क्सवाद के जो 3 स्रोत हैं मार्क्स के विचारों के, वो सबसे पहला है जर्मन दर्शन, जो प्रमुख तौर पर हीगेल का दर्शन है। दूसरा जो मार्क्सवाद या मार्क्स के विचारों का द्वितीय स्रोत है, वो है इंग्लैंड की राजनीतिक अर्थशास्त्र की जो शिक्षा है, वो एडम स्मिथ और रिकार्डो का अर्थशास्त्र के सिद्धांत। और तीसरा मार्क्सवाद के स्रोत के तौर पर है फ्रांस के क्रांतिकारी और समाजवादी विचार। तो 3 ये प्रमुख स्रोत है जिनके आधार पर हम मार्क्स को समझते हैं। और जब मार्क्स के विचारों की बात आती है तो आज दुनिया में ये माना जाता है कि मार्क्स के विचार तो शायद पुराने पड़ गए हैं, अब उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। और मार्क्सवाद यानी मानवता के जो दुश्मन है, जो दुनिया में विषमता, भेदभाव और जुल्म को कायम रखना चाहते हैं, ऐसे शासक वर्ग और उनके कलम घिस्सू जो बुद्धिजीवी है, वो अक्सर ये कहते हैं कि आज मार्क्सवाद की प्रासंगिकता नहीं है। लेकिन मैं इस मौके पे कहना चाहूँगा कि जब मैं तलाश रहा था कि दुनिया में जो मीडिया है, ख़ास तौर पर पश्चिम का जो पूंजीवादी मीडिया है, वो मार्क्स के बारे में आज क्या सोचता है, तो मैंने 6-7 जो रेफरेंसेस हैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे मैंने तलाशे हैं। विभिन्न जो फेमस पत्रिकाएँ हैं, फाइनेंशियल जो टाइम्स है, बहुत ही फेमस ये अखबार है, उसमें एक लेख आया कि वो कहते हैं मार्क्स इज मोर रेलिवेंट देन एवर, यानी मार्क्स आज और ज़्यादा प्रासंगिक है जैसे पहले से भी। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक राइटअप छपा है, उसका शीर्षक है हैप्पी बर्थडे कार्ल मार्क्स, यू वर राइट। कार्ल मार्क्स, आपको जन्मदिन मुबारक, आप सही थे। यानी मार्क्स का जो विश्लेषण है, मार्क्स की जो शिक्षा है,
समाज और दुनिया के लिए उपयोगी है, इस बात को फोकस करता है न्यूयॉर्क टाइम्स, जो अमेरिका का प्रसिद्ध अखबार है। ऐसे ही बीबीसी ने भी एक सर्वे किया था, और इस सर्वे में ये पाया गया कि दुनिया की 10 हस्तियों में